दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान पर चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता ये भारत के समाज में, भारत के राष्ट्र में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये सेकुलरिज्म जो शब्द है, ये सबसे बड़ा खतरा है भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके वहां पर प्रस्तुत करने में। जो सबसे बड़ी बाधा है वह यही है। वे रामायण एनसाइक्लोपीडिया के पहले वॉल्यूम का उद्घाटन कर रहे थे। ये रामायण एनसाइक्लोपीडिया ई एनसाइक्लोपीडिया है और इसके बाकी संस्करण अभी आने वाले हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म के कारण भारत की संस्कृति के, भारत की परंपरा के जो इज्जत दुनिया में होना चाहिए, जो उसका मुकाम दुनिया में होना चाहिए, वो उसे नहीं मिल रहा। तो धर्मनिरपेक्षता की खुले तौर से उन्होंने आलोचना की। हमें याद है कि कुछ साल पहले भी उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता ये आधुनिक भारत का एक सबसे बड़ा झूठ है। उन्हीं की तर्ज पर, क्योंकि अभी वो भाजपा में हैं और उन्हीं की तर्ज पर भारत के ये बीजेपी के कई सांसद ऐसे बयान देते हैं कि जिसमें वो भारतीय संविधान का विरोध करते हैं। जैसे अनंत हेगड़े, जो कर्नाटका के एमपी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा सत्ता में है क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहती है। खैर, अब ये जहाँ तक धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, ये बात समझ लें कि आज धर्मनिरपेक्षता के बहुत सारे, सेक्युलरिज्म के बहुत सारे प्रकार हैं और हर देश का अपना एक प्रकार है। एक मान्यता है कि धर्मनिरपेक्षता भारत में विदेशों से आई, ये एक वेस्टर्न पाश्चात्य कल्पना है। पर इसके खिलाफ मैं बताना चाहूँगा कि फ्रांस में जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें धर्म की संस्था, धर्म और राज्य के बीच में एक कड़ी मोटी दीवार है। ब्रिटेन में एक अलग प्रकार की धर्मनिरपेक्षता चलती है, अमेरिका में अलग प्रकार की चलती है और भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो सभी धर्मों के आदर के आधार पर चलती है। ये बात स्पष्ट है कि इसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी धर्म के, धर्म गुरु के आदेश पर नहीं चलेगा। ये हमारे भारत के संविधान की विशेषता है, भारत की विशेषता है। वैसे तो भारत का संविधान, इसके जो पूरे मूल्य हैं, संविधान सभा में उन पर विस्तार पर चर्चा हुई और लोगों ने, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस बात पर निर्णय लिया, जो उन्होंने क्लॉजेस बनाए, आर्टिकल्स जो सब बने, उसमें सब में धर्मनिरपेक्षता की पूरी पूरी छाप थी। ये बात और है कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने आर्टिकल के तहत 47th अमेंडमेंट के तहत धर्मनिरपेक्षता को हमारे संविधान के प्रीएम्बल में डाल दिया और उसी के साथ साथ समाजवाद, ये शब्द भी उन्होंने इस दौरान डाला। तो कई लोगों का कहना है क्योंकि ये शब्द इमरजेंसी में डाले गए थे, शुरुआत में नहीं थे, तो इसलिए इन शब्दों को हटा देना चाहिए। और दूसरी तरफ बात यह है कि आप किन किन शब्दों को हटाएंगे। सवाल यहाँ शब्द को हटाने का नहीं है। कई लोग तो आजकल मांग कर रहे हैं कि हमारे संविधान को हटाकर एक हिंदू राष्ट्र की के रास्ते पर चलने वाले संविधान को लाया जाए। इस प्रकार की खुली हुई मांग भी बहुत प्रकार के लोग कर रहे हैं। पर वास्तव में भारत का संविधान, जो भारत की आज़ादी के आंदोलन का पूरा पूरा प्रतिनिधित्व करता है, जिस संविधान समिति में सभी प्रकार के लोग थे जिन्होंने भारत के आज़ादी के में योगदान दिया, उस प्रकार के भी लोग थे जो आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं थे, कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, पर कांग्रेस पार्टी के बाहर एक अलग प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते थे, उस प्रकार के लोग भी थे। पर मोटे तौर पर पूरी चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकला वो ये कि हर एक हमारे भारत का आर्टिकल जो है वो धर्मनिरपेक्ष होगा, किसी धर्म के आदेश पर नहीं चलेगा। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा हम अपने संविधान की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं, वो बात को भी रिजेक्ट किया गया और इसीलिए उसमें शब्द आया हम भारत के लोग। ये उसका एक मुख्य तौर से
जो शब्द आया वो हमें समझने की ज़रूरत है। और इसके कोई भी प्रावधान देखिए, उसमें एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक काम, सकारात्मक कदम अल्पसंख्यकों के लिए हैं, और जहाँ तक दलित हैं उनके लिए आरक्षण हैं, कमज़ोर तबकों के लिए राज्य विशेष ध्यान देगा, इस प्रकार की बातें भी उसमें हैं। ये भी कहा गया राज्य धर्म के मामलों में दखलंदाजी नहीं देगा, और धर्म की दखलंदाजी राज्य के मामलों में नहीं होना चाहिए। ऐसे दो तीन उदाहरण हैं जहाँ राज्य ने कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में राज्य की क्या भूमिका होगी इसके बारे में स्पष्टता दी। जैसे कुंभ के मेले होते हैं, लाखों लोग जमा होते हैं, तो उसमें स्वास्थ्य की सुविधा का काम सरकार देखेगी। जैसे यहाँ से बहुत सारे मुसलमान हज के लिए जाते हैं मक्का मदीना, तो उस समय बाकी तो अपना निर्वहन कर लेते हैं, पर जो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स वापस आती हैं उन फ्लाइट्स को मदद करने के लिए खाली जब आती हैं तो उसके लिए सरकार ने एक सब्सिडी तय की। ये भी किसी प्रकार से धर्म के काम में मदद नहीं थी, ये केवल ट्रांसपोर्ट का मामला था। जैसे कुंभ में स्वास्थ्य के बारे में ये बात कही जाती। खैर, धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है कि भारत एक बहुल्य समाज है, विविधतापूर्ण समाज है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों ने सदियों से एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन बिताया है, सभी धर्मों के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया है, और यही हमारे समाज की मुख्य पहचान है जो हमारे संविधान के शब्द इक्वालिटी, बराबरी में प्रतिनिधित्व होती है। बराबरी यानी सभी धर्म के लोग यहाँ बराबरी के रूप में, नागरिक के रूप में देखे जाएंगे। पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एक प्रोटेक्टिव क्लॉजेस, यानी क्योंकि वो संख्या में कम है, उनको राज्य की तरफ से कोई सुरक्षा रही, तो ये प्रावधान भी रखा गया। और यहाँ मैं लगे हाथ ये बता दूँ कि ये प्रावधान माइनॉरिटी कमेटी, जो संविधान की माइनॉरिटी कमेटी थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके रिकमेंडेशन पर इस प्रकार के क्लॉजेस को हमारे संविधान में रखा गया। जब भारत की शुरुआत हुई तो उसमें धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिला सोमनाथ के मंदिर के रूप में। सोमनाथ के मंदिर के बारे में कहा गया, कई लोगों ने मांग उठाई कि इस मंदिर को विदेशियों ने तोड़ा है, महमूद गजनवी ने तोड़ा है, तो सरकार का काम है कि इसे, इसका पुनर्निर्माण करना। तो महात्मा गांधी ने उस समय कहा कि मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, हिंदू समाज सक्षम है, हिंदू समाज इज कैपेबल जो अपने मंदिर बना सके। इसी तर्ज पे चलकर आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर की एक परिभाषा दी थी। मंदिर की परिभाषा उनकी क्या थी, भाखड़ा नंगल के डैम के बांध के उद्घाटन के समय उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार के बांध जो हमारी खेती के काम में मदद करेंगे, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। उसी में जोड़कर उन्होंने जो बाकी चीज़ें की, हम कह सकते हैं कि उनकी मंदिर की कल्पना थी हमारे इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई व्यवस्था में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में, उद्योग धंधों में, और जो बाकी भारत ने उस दौरान में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए कदम उठाए वो सब हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं उसकी भाषा में। उस समय कई समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की कि समाज, भारतीय राष्ट्र ने, राज्य ने जितना धर्म निरपेक्ष होना चाहिए उतना वो नहीं है। खैर, उसके बाद 1980 के दशक के बाद से शाह बानो के केस के बहाने जब हिंदू राष्ट्रवाद के लोगों ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उसके बाद से धर्मनिरपेक्षता शब्द को बदनाम करने की कोशिश की गई। मुख्य रूप से जो रूलिंग पार्टी ज़्यादातर कांग्रेस थी उस समय, पहले 30-40 साल, उसमें जो कई बार ये धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर पूरा नहीं चल सकी, और उसके लिए इन्हें स्यूडो सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया जो बहुत लोकप्रिय किया गया। उसी के साथ साथ जो शाहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को के बजाय जो एक पार्लियामेंट से कानून लाया गया मुस्लिम महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, उसे मुसलमानों का तुष्टिकरण कहा गया। मुसलमानों का तुष्टिकरण, ये शब्द वैसे बहुत पुराना है, 19वीं शताब्दी के एंड से शुरू होता है जब से सांप्रदायिक प्रवृत्तियां सामने आई। तो खैर, सांप्रदायिक, आज ये धर्मनिरपेक्षता की आलोचना
बहुत आसान हो गई है। इसको अगर कोई डिफेंड करता भी है, इसका कोई बचाव करता भी है, तो केवल कानूनी तर्क, केवल उनके पीछे या तो उनकी प्रतिबद्धता होती है, ऐसा एक बहुत बड़ा तबका है जो धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। ये वही तबका है जो समाज में समाज के असली मुद्दे, रोटी कपड़ा मकान वगैरह पर ध्यान देना चाहता है। कई लोग धर्मनिरपेक्षता के केवल सोंग करते हैं और वो अपने चुनावी आधार पे धर्मनिरपेक्षता के को अपने आप को समर्पित भी करते हैं, पर अभी ज़्यादा एक टेंडेंसी, ज़्यादा एक प्रवृत्ति पिछले 20-25 साल में आ रही है कि जहाँ धर्मनिरपेक्षता को एक नीची नज़र से देखा जाना जा रहा है, नीची नज़र से देखा जा रहा है, सेक्युलर के बदले सिक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात निश्चित है कि जो रूलिंग पार्टी थी उसने धर्मनिरपेक्षता को इतनी मजबूती से पालन नहीं किया, उसमें कुछ कमज़ोरियां आई, पर उसका मतलब यही है कि जो कमज़ोरियां थी उसको हटाने के लिए धर्मनिरपेक्षता को, सेक्युलरिज्म को ज़्यादा मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि यही लोकतंत्र का दूसरा पहलू है। लोकतंत्र के सिक्के का दूसरा पहलू है वह है धर्मनिरपेक्षता। अभी जो योगी जी बात कर रहे हैं कि सेक्युलरिज्म ये हमारी परंपराओं के ग्लोबल रिकॉग्निशन के बीच में एक आड़ा है, उसमें भी किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। दुनिया हमेशा मेलजोल से रही है, बाहर की अच्छी चीज़ें यहाँ आई हैं, यहाँ की अच्छी चीज़ें बाहर रही हैं। सदियों से यहाँ अलग अलग धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, उनकी परंपरा एक दूसरे की परंपरा से सीखते हैं और एक दूसरे के आदान प्रदान के आधार पर भारतीय समाज पिछले कितने सदियों से चलता रहा है। और ये मेलजोल का उच्चतम बिंदु हमें आज़ादी के आंदोलन में दिखा, जहाँ एक तरफ मोहनदास करमचंद गांधी भारत के राष्ट्रपिता इसका नेतृत्व करते हैं और उनके महत्वपूर्ण साथियों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, रफ़ी अहमद किदवई, ऐसे सारे लोग आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। खैर, और भारत की बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ बुद्ध धर्म का उदय हुआ, यहाँ से उदय होकर वो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैला, जो सम्राट अशोक ने अपने दूत भेजे उनके माध्यम से फैला। फिर भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो रही है वो मेलजोल की प्रवृत्ति की रही है, और बाद में गांधी ने आकर इसको दो अलग रूप में रखा, एक अहिंसा और दूसरा सत्याग्रह। ये आपको बता दूँ, आज दुनिया भर में भारत की ये देन जो महात्मा गांधी के माध्यम से आई उसका पूरा स्वागत है, उसका एक बहुत बड़ा मुकाम है दुनिया की राजनीति में, दुनिया की समझ में। और महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे के रूप में, अहिंसा डे के रूप में प्रचारित किया जाता है। ये भारत की कई मूल्य हैं जो हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य के बावजूद के कारण, मैं कहूँगा उसके कारण पूरी दुनिया में उनका स्वागत हुआ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब दुनिया पहले दो गुटों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिकन ब्लॉक, एक तरफ रशियन ब्लॉक, तो उस समय भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट जो गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया उसको भी बहुत सराहा गया, उसके आधार पे भी दुनिया बहुत चली। और जहाँ तक सवाल है जो योगी जी इशारा कर रहे हैं रामायण महाभारत का, वो भी दुनिया में कई जगह प्रचलित है। अगर आप देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया में महाभारत के बहुत सारे वर्जन्स मिलते हैं, लोग इस बात को एक इज्जत से, आदर से स्वीकार करते हैं। और ये धर्मनिरपेक्षता इसके आड़े नहीं आती। धर्मनिरपेक्षता तो का तो इतना ही मतलब है कि आप अपने जीवन में अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने मूल्यों के आधार पर चलिए, पर आपकी जो राजनीतिक नागरिकता है, जो आपका समाज है, वो धर्म के निर्देशों के आधार पे नहीं चलेगा। आपकी जो सरकार है वो धर्म गुरुओं के निर्देश पर नहीं चलेगी, और हमारा जो संविधान है उसके आधार पर हमारी नीतियां चलेंगी। और हमारे संविधान में जो नीतियां हैं वो स्वतंत्रता, समता, बंधुता की है। दुर्भाग्यवश पिछले 20-25 साल में धर्मनिरपेक्षता पर बहुत आक्रमण हो रहे हैं। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की सबसे सरल परिभाषा महात्मा गांधी देते हैं, जो कहते हैं, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए
मैं अपनी जान तक दे सकता हूं, पर वो मेरा निजी मामला है। जहां तक उस राज्य सत्ता का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, वो राज्य सत्ता किसी धर्म के द्वारा निर्देशित नहीं होगी। और यही धर्मनिरपेक्ष उसी को आगे ले चलते हुए गांधी जी कहते हैं कि राज्य का काम होगा लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी और उनके नागरिक अधिकार को की सुरक्षा करना, और धर्म का काम होगा लोगों को नैतिक रास्ता दिखाना। धर्मनिरपेक्षता पर, सेक्युलरिज्म पर इस प्रकार के जो अटैक्स हो रहे हैं, इस प्रकार के जो हमले हो रहे हैं, वो मेरे ख्याल से काफ़ी चिंता का विषय है। और जैसे अभी ज़्यादातर मुद्दे धर्मनिरपेक्षता से हटकर धर्म के आवरण में लाए जा रहे हैं, धर्म के आवरण में लाए जा रहे हैं, राम मंदिर का सवाल हो, गौ माता का सवाल हो, या फिर घर वापसी लव जिहाद के मामले हो, ये सब धर्म के चारों तरफ लाए जाते हैं। जबकि वास्तविक मुद्दे होना चाहिए गरीबी को दूर करने का, सबको नौकरियां देने का, शिक्षा में विकास का, औद्योगिक विकास का। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर जिसकी नींव एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मूल्यों के रूप में रखी और दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी औद्योगिक शैक्षणिक और विकास की नीतियों के रूप में रखी, वही हमारे विकास का रास्ता होगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द से कुछ लोगों को परहेज है क्योंकि वो कुछ अलग प्रकार की नीतियां चलाना चाहते हैं। उनका ज़्यादा फोकस, उनका ज़्यादा ध्यान त्यौहारों को कैसा मनाया जाए, त्यौहारों को मनाकर कैसे गिनीज बुक ऑफ में लाया जाए, इस पर उनका ध्यान ज़्यादा ख्याल है। जबकि वास्तव में होना चाहिए कि हम दुनिया में एक अच्छा उदाहरण अच्छे मूल्यों के साथ कैसे दें। और मेरा पूरा विश्वास है एक धर्मनिरपेक्ष सरकार, सेक्युलर गवर्नमेंट, उसके रास्ते में कोई अवरोध नहीं होगी। और जो भारत की परंपराएं हैं उनको एक अच्छे रूप से सामने प्रस्तुत करने के लिए सेक्युलरिज्म किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।